अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ दानिश और आप देख रहे हैं लाहौर कार सेल्स व्लॉग। तो आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज की गाड़ी का रिव्यू लेके हैं वो है मर्सिडीज बेंज E40। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह से फ्रंट लुक से स्टार्ट करें तो फ्रंट लुक तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। और मर्सिडीज की गाड़ी आपको पता है कि वो लग्जरीज गाड़ियों में जो है ना वो आ जाती है। तो फ्रंट से इसकी ओरिजिनल लाइटें, बम्पर और क्रोम की इसकी ग्रिल, सेंटर में जो है मर्सिडीज का लोगो और साइड से आप देख सकते हैं जो ना गाड़ी के अलॉय रिम और न्यू टायर हैं। और गाड़ी जो है ना काफ़ी जो ना आउट क्लास लुक में, और गाड़ी जो है बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। गाड़ी जो है वो कहीं से भी जो पेंट नहीं हुई, कहीं से भी जो कलम नहीं है इसको गाड़ी को लगी, कहीं से भी जो है वो गाड़ी शावर नहीं है। गाड़ी जो है ओरिजिनल है, ओरिजिनल इसके कंपनी की तरफ से जो अलॉय रिम आते हैं। और ये गाड़ी आप साइड से देख सकते हैं जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन और ब्लैक कलर है गाड़ी का। तो गाड़ी जो है माशाल्लाह से जो है ना वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। और गाड़ी के फ्रंट लुक से देख सकते हैं, इसका बोनट देख सकते हैं, विंड स्क्रीन देख सकते हैं, बम्पर में जो है वो फॉग लैंप है ओरिजिनल। तो इंटीरियर आप देख सकते हैं, इंटीरियर जो है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन और आउट क्लास लुक में ओरिजिनल कंडीशन में है। इंटीरियर जो है वो टोटली ओरिजिनल है। तो गाड़ी जो है मैनुअल ट्रांसमिशन में है, तो बहुत ही आउट क्लास लुक में जो ना गाड़ी। तो गाड़ी का आप इंटीरियर देख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन है। डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, और गाड़ी में जो है वो LCD इंस्टॉल है। और इसकी आप लेदर सीट्स देख सकते हैं जो कि ओरिजिनल है और अभी तक जो है इसकी ब्रांड न्यू लुक में है। और सीट्स में जो है कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी निशान नहीं है, कोई भी जो है इसमें कट नहीं है। और सीट में ये ऑप्शन है कि इसमें जो है आप अपनी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से भी जो है ना वो अपसेट कर सकते हैं सीट्स को। तो यार गाड़ी जो है वो बहुत ही लश कंडीशन में और आउट क्लास लुक में। और इसकी ये जो है स्पीडोमीटर में जो आपको उम्मीद है कि ओरिजिनल माइलेज जो है वो शो होती होगी। तो आप जो है बैक से भी जो है ना गाड़ी देख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। और इसकी गाड़ी के आप अंदर से जो है छत भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है। ड्राइविंग सीट आप गाड़ी की देख सकते हैं और जो कि ये भी नीट है। और इंजन रूम आप जो है वो देख सकते हैं, इंजन रूम जो है बहुत ही आउट क्लास लुक में है। और फ्रंट से आप देख सकते हैं इसकी बोनट जो है वो ओपन हुआ है। तो गाड़ी की कोई भी जो है वो सील अभी तक ओपन नहीं हुई और आप देख सकते हैं पिक्चर्स में। तो गाड़ी के जो मॉडल है वो 2004 मॉडल है और 2008 में जो है वो जापान से इंपोर्ट की गई थी। और 2008 में जो है वो गाड़ी रजिस्टर्ड हुई थी। गाड़ी जो है बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है और कराची रजिस्टर है गाड़ी और लाहौर में अवेलेबल है। तो गाड़ी के इंजन की बात कर लें तो गाड़ी जो है वो 2600 cc है, V6 इसका पावर इंजन है और गाड़ी जो है पेट्रोल पे है। तो अगर कोई भाई इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हो तो वो मुझे जो है कमेंट कर दें, मैं उनको ऑनर का नंबर सेंड कर दूंगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम सर मिल सके। तो इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।